यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। टुडेज डिस्कशन ऑन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज क्या चीज है, ये एक्ट है, कौन सा एक्ट है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नाउ लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनर्स एंड डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। अब ध्यान दोगे यहां पर, लास्ट लास्ट वी वर ऑन पार्टनर्स एंड डीपीज। अभी एक्ट कौन सा है? 2008 वाला एक्ट है। अब क्या हुआ, एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, as per the requirements of our economy, so as to encourage ease of doing business, kya hua, in 2021 kuch amendments laye gaye, kiske andar, is particular act ke andar kuch amendments bhi laye gaye, sath hi sath kuch insertions bhi hain, kuch naye topics bhi hain jo hamare syllabus ke andar bilkul hain, theek padhna rahega, theek। ab kya hua, in 2021 LLP Amendment Act 2021 was introduced. LLP Amendment Act 2021 was introduced. सर ऐसा क्यों करा? जो amendments लाए गए, जो insertions आए, वो इस particular act के अंदर दे दिए गए। LLP Amendment Act 2021। ये चीज इंटरप्रेट मत कर लेना कि भाई जो एक्ट है इसका नाम चेंज हो गया, नहीं, एक्ट तो है एलएलपी एक्ट 2008। अमेंडमेंट्स के लिए एक सेपरेट एक्ट बनाया, एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसके अंदर इस एक्ट से कनेक्टेड जो भी अमेंडमेंट्स थे, जो भी इंसर्शंस थे, वो डाल दिए गए, ठीक। और ये जो अमेंडमेंट्स थे, जो एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंदर दे रखे हैं, साथ ही साथ जो इंसर्शंस थे, ये कब से एप्लीकेबल हुए? ये एप्लीकेबल हो गए थे फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो क्या सर ये जो अमेंडमेंट्स हैं हमको पढ़ने? आंसर इज यस। बहुत जगह चेंजेस आए हैं, अभी अपन चेक कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत कौन कौन से अमेंडमेंट्स लाए गए, कौन कौन से इंसर्शंस आए, क्वेश्चंस आते हैं। बहुत से जो ऑफेंसेस हैं उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, एक स्पेशल कोड का प्रोविजन नया डाला है फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, स्मॉल एलएलपी का एक कॉन्सेप्ट डाला गया है, स्टार्टअप एलएलपी का कॉन्सेप्ट डाला गया है। तो ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या जरूरत थी? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर इकोनॉमी, एज पर द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट, एंड सो एज टू एनकरेज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्लियर टू एवरीवन? लिखा सबने? तो जब हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे ऑन पार्टनर्स एंड डीपी, क्या था वो क्राइटेरिया, फटाफट से बोल दो। तो पार्टनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम 2, मैक्सिमम अनलिमिटेड। देन पार्टनर्स क्या कोई भी हो सकते हैं? इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स भी एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। फॉर डीपीज क्या है क्राइटेरिया? अच्छा, डीपीज होंगे कौन? जो कि अल्टीमेट एलएलपी के अफेयर्स को मैनेज करेंगे। ओके, क्या है क्राइटेरिया बोलो? अब सुनना ध्यान से, डीपी के लिए क्या है क्राइटेरिया? कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए डीपी, जो कि होंगे इंडिविजुअल। और अगर पार्टनर, हाँ बिल्कुल, उनमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। और अगर पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है, देन वो जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं वो 2 नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे, और वो जो नॉमिनी है वो इंडिविजुअल होंगे,
और वो जो नॉमिनी है वो रिप्रेजेंट करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट्स को एज डीपीज, और उनमें से एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। तो फिर इंडिया का रेसिडेंट किसको बोलोगे? जनरल डेफिनेशन क्या है? जो प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर कम से कम 182 डेज रुका हो, ये बोलते हैं अपन। बट चेंज हो गया जी, ये जो एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है, इसके अंदर फॉर एलएलपी रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन चेंज कर दी गई। तो क्या है वो नई डेफिनेशन, लिखते हैं। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मीन्स अ पर्सन स्टेड इन इंडिया, मीन्स अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स अ पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल कम से कम इंडिया में वो व्यक्ति रुका है कितने दिन? 120 डेज, तभी उस व्यक्ति को बोलोगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। कब से एप्लीकेबल हुए? 1 अप्रैल 2022। क्लियर टू एवरीवन? पक्की बात? देखो की चेंजेस, क्या क्या चेंजेस लाए गए ध्यान रखने पड़ेंगे। की चेंजेस इंक्लूड रिडक्शन ऑफ एडिशनल फी एंड पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस ऑफ टेक्निकल नेचर। जो भी ऑफेंसेस टेक्निकल नेचर के थे उसके अंदर जो भी फाइंस एंड पेनल्टीज थी उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप एलएलपीज, स्मॉल एलएलपीज, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस बाय आरडी दैट इज रीजनल डायरेक्टर, एंड सेटिंग अप ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। ये सारे चेंजेस लाए गए क्यों? दिस इज टू एनकरेज एंड प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सो दैट मोर एंटरप्रेन्योर्स मे शिफ्ट टू एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर टू एवरीवन? जहां पर कॉपी के अंदर अपन ने ये चीज नोट करी है कि भाई एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया है, तो वहां पर उसके नीचे लिख लोगे ये सारे चेंजेस। टू इट अभी लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, याद रहने चाहिए। रिडक्शन ऑफ एडिशनल फी एंड पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस ऑफ टेक्निकल नेचर, स्टार्टअप एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, बहुत सारे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से कनेक्टेड प्रोविजंस लाए गए, देन स्पेशल कोर्ट से कनेक्टेड प्रोविजंस लाए फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। डू इट। अमेंडमेंट लाने की क्यों जरूरत पड़ी लिख लोगे अगर एग्जाम में पूछेंगे तो? क्या लिखोगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनकरेज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट करे इसके लिए।
और एज पर द चेंजिंग बिजनेस एंड एनवायरमेंट एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर इकोनॉमी। जल्दी आ चलाओगे? यस डन, बढ़ू आगे? अब अगर डेफिनेशन पूछेंगे किसकी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इन अकॉर्डेंस विद LLP, क्या लिखोगे? 120 डेज, नॉट 182। चलिए, फीचर्स ऑफ LLP बहुत सिंपल। LLP क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं बात है ना, तो पता थी पहले से। LLP इज अ लीगल एंटिटी ऑन इट्स ओन एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। सर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ही यही होता है, तो फिर अलग से क्यों पढ़े? मत पढ़ो। एवरी LLP हैज इट्स ओन नेम, कैन सू एंड बी सूड। पता है सर। The existence, rights and liabilities of LLP is not affected by the change in the constitution of its partners. क्या मतलब है इसका? Perpetual succession. ये जबरदस्त पॉइंट है। क्या बोला है? Every LLP shall have at least two partners at all points of time. Where the number of partners fall below two and remains as such for more than 6 months. मतलब कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए, दो से कम हो गए और 6 महीने से ज्यादा हो गए, आप बिजनेस कर रहे हो नालायकों की तरह। Then the single partner who is carrying on the business of LLP shall be personally liable for all the obligations of the LLP incurred during the period exceeding 6 months. क्या मतलब है इसका? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। और अगर दो पार्टनर वाला क्राइटेरिया आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब हर समय कम से कम दो पार्टनर तो होने चाहिए, किसी भी समय दो से कम हुए पार्टनर और आपको 6 महीने से ज्यादा हो गए बिजनेस करते हुए, इन दैट केस वो जो एक अकेला पार्टनर है कल तक जो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी वो हो जाएगी अनलिमिटेड liability. Simple. This means where the number of partners is reduced to below two
देन सच एलएलपी शैल ब्रिंग इन अ पार्टनर विद इन 6 मंथ्स। मतलब क्राइटेरिया को फिर से 2 तक ले जाना पड़ेगा, अगर एक ही पार्टनर रह गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर एक और नए पार्टनर को लाना पड़ेगा। अदरवाइज द सिंगल पार्टनर कैरिंग ऑन सच बिजनेस शैल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द ऑब्लिगेशन डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द एलएलपी बियॉन्ड द एफोसिट पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। मतलब 6 मंथ्स के बाद वाला जो भी पीरियड है उस पीरियड के लिए वो एक अकेला पार्टनर रिस्पॉन्सिबल या लायबल माना जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डीपी, पढ़ लिया अपन ने। एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी, पढ़ लिया अपन ने। The name of every LLP shall end with the word LLP. वाह सर, मजे आ गए, ये आना चाहिए पेपर में। पढ़ लोगे सारे पॉइंट्स? पढ़ लो फटाफट से, अच्छे बच्चे हो। सनम का क्वेश्चन है, सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मतलब क्या, कोई बता सकता है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस तुमने लिखा है चेंजेस के अंदर, एनीवन? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस किसी ने पूछा भी नहीं। कंपाउंडिंग इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या चीज है इसके अंदर? वो वाला सेटलमेंट नहीं जो हम सेबी के अंदर पढ़ते हैं T+2, वो वाला नहीं। क्या चीज है कंपाउंडिंग? सुनना ध्यान से, कंपाउंडिंग क्या है? इट इज बेसिकली सेटलमेंट। किस तरीके से? बाय पेइंग फाइंस इन लियो ऑफ फेसिंग प्रोसिक्यूशन। कार्रवाई से बचने के लिए आपने फाइन पे कर दिया और फिर कार्रवाई से मुक्त हो गए, दैट इज कंपाउंडिंग। दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेज एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज। कंपाउंडेबल ऑफेंसेज मतलब वो ऑफेंसेज विच इज ऑफ लेस सीरियस नेचर, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज विच इज ऑफ मोर सीरियस नेचर। कंपाउंडेबल ऑफेंसेज वो ऑफेंसेज होते हैं विच इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट। मतलब या तो फाइन दो, फाइन नहीं दे सकते हो तो जेल की सजा काटो। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज ऐसे ऑफेंसेज होते हैं विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, या फिर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। क्लियर टू एवरी वन? लिखना है किसी को? बढ़ू आगे? पक्की बात? क्लियर है सनम? पढ़ लो फटाफट से। अगर कोई नया पॉइंट दिखे तो जरूर मुझे याद करना। डू इट। पर बोला एलएलपी एग्रीमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज एलएलपीडी। डन। Done everyone. लास्ट वाला पॉइंट पढ़ ले अगर किसी को दिक्कत हो तो।
पढ़ो तो एक बार। ले सबको समझाने की जरूरत है। बोलिए, बढ़ू आगे? चलिए। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, क्या है फायदा एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस करने का? इजी फॉर्मेशन है, लेस फॉर्मेलिटीज है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, हाउएवर 6 महीने वाला क्राइटेरिया ध्यान रखना है, ठीक। लोअर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस एज कंपेयर टू कंपनी। ऑडिट रिक्वायरमेंट क्या है? क्या अनलाइक कंपनीज ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी ऑफ एलएलपीज बट हाईली रेकमेंडेड। स्टार्टअप एलएलपीज एंड स्मॉल एलएलपी का नया कॉन्सेप्ट लाया गया। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पार्टनर्स, बोला है पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड एंड कैन मूव आउट इजिली विदाउट एनी रिजिडिटी, मतलब बिना किसी दिक्कत के। सेपरेट लीगल एंटिटी सबको पता है, इजी टू क्लोज डाउन, शट डाउन करना आसान है। मेंबर्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन एलएलपी, ध्यान रखना यहां पर पार्टनर्स को मेंबर्स लिखा है, एग्जाम में पार्टनर्स ही लिखकर आओगे, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी इन दी मैनेज, सिंपल पॉइंट है, बच्चों वाले पॉइंट्स है ना सर, हम तो बड़े बड़े बच्चे हैं, हम ऐसे पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं। चलो, डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान है? क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? बिल्कुल, कौन बोला नो? पेनल्टीज, अनलाइक पार्टनरशिप एलएलपी हैव टू कंप्लाई विथ मेनी लीगल प्रोविजंस एंड नॉन कंप्लायंसेस इन्वॉल्व्स फेसिंग पेनल्टीज। ये क्या डिसएडवांटेज? अरे भाई, गलती करी है तो जुर्माना तो भुगतना पड़ेगा। राइट ऑफ पार्टनर्स, क्या बोला है? एलएलपी एग्रीमेंट कैन बी ड्राफ्टेड टू गिव मोर राइट्स एंड पावर्स टू सम पार्टनर्स देन अदर्स, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स दी जाएगी, तो यहां पर भेदभाव भी हो सकता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला केस भी हो सकता है। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ज्यादा पावर्स दे दी कुछ बंदों को, कम पावर्स दी कुछ बंदों को, तो आपको तो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ना, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए यहां पर दिया है डिसएडवांटेज के अंदर। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, अदरवाइज मिल करके लोग काम करेंगे ही नहीं। क्लियर टू एवरीवन? रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल एक्सेस, क्या बोला है? एलएलपीज कैन नॉट रिसोर्ट टू ईसीबीज लाइक कंपनीज, पढ़ा होगा ईबीसीएल वाले पेपर के अंदर। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होता है? फेमा के अंदर पढ़ा होगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इट इज बेसिकली बोरोइंग्स मेड बाय द कंपनी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ये फायदा एलएलपीज नहीं उठा सकते, ठीक। To that extent, there is a restriction on their borrowing. Public disclosures, LLP have to mandatorily file annual returns. पढ़ेंगे, आएगा आगे, कितने दिनों के अंदर? Annual returns, statement of accounts and solvency every year. This means that these become public documents which can be accessed by others, including competitors. लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, क्या चीज है? पढ़ो एक बार। एफडीआई पढ़ा होगा ईबीसीएल के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बल्ले पड़ रहा है कुछ?
ध्यान तो कहाँ जा रहा है। एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म बाय अ सिंगल पर्सन, तो क्या सर आप नई बात बता रहे हो? नहीं, अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड अ फॉरेन नेशनल विलिंग टू फॉर्म अ एलएलपी इन इंडिया मस्ट हैव वन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये तो क्राइटेरिया है ही ना, ये तो होना ही चाहिए टू एक्ट एज अ डीपी। फर्दर एफडीआई इन एलएलपी इज आल्सो अलाउड ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट। दो रूट्स होते हैं, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। जो अप्रूवल रूट है उसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। ओनली मतलब ऑटोमेटिक रूट से आप नहीं आ सकते हो। जिसने नहीं पढ़ा है एफडीआई पढ़ लोगे, घबराना मत। एंड दैट टू इन दो सेक्टर्स ओनली वेयर 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। क्या बोला यहां पर? जो ऑटोमेटिक रूट है कहां पर पढ़ोगे? एफडीए के अंदर। जो पर्टिकुलर ऑटोमेटिक रूट है जहां पर आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वहां पर आप क्या कर सकते हो? एफडीआई एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में जहां पर 100% एफडीआई इज अलाउड, लेकिन उस केस में भी गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए रहती है। दिस लिमिटेशन मेक्स एलएलपी एन अनअट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस। एग्जिट ऑप्शंस आर नॉट इजी फॉर एलएलपीज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग। मगर आपने सुना ध्यान से, अगर आपने गलती करी है इन दैट केस आपको इजीली भागने नहीं दिया जाएगा। एलएलपी हु हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, ये क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, आरओसी है ना, विलिंग टू शट डाउन इट्स ऑपरेशन एंड वाइंड अप विल हैव टू मेक इट्स डिफॉल्ट गुड फर्स्ट By filing necessary e-forms with late filing fees. मतलब अगर आपने गलती करी है तो आपको हम भागने नहीं देंगे, पहले अपनी गलती सुधारो उसके बाद भागो। ठीक, दिस प्रोविजन इज मेकिंग एलएलपी एन अनअट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इन। अरे क्यों अट्रैक्टिव नहीं है? क्यों अट्रैक्टिव नहीं है? अरे जो गलती करी है तो क्या ऐसे ही भागने दे तुमको? जो गलती करी है उसको सुधारना तो पड़ेगा ना, इसमें क्या दिक्कत है? बोल दिया अनअट्रैक्टिव, ठीक है मान लेते हैं, बट अनअट्रैक्टिव नहीं। पढ़ी लिया अपन ने लिमिटेशन इन ईसी, क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रहेगा सबको। पढ़ी लिया अपन ने एलएलपी एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट है, आ जाओ ध्यान रखना। स्मॉल एलएलपी एंड स्टार्टअप एलएलपी, नई नई चीजें आ सकता है एग्जाम। व्हाट इज स्मॉल एलएलपी? द कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीस और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 CR एज मे प्रिस्क्राइब एंड टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 CR। ये कुछ काम है, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? दो क्राइटेरिया है एंड बोला है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए तभी आपकी एलएलपी को हम बोलेंगे स्मॉल एलएलपी। फर्स्ट क्राइटेरिया कंट्रीब्यूशन, कौन सा कंट्रीब्यूशन? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी नाइस। ऐसी एलएलपी जिसके अंदर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना? अप टू 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट, ये क्यों लिखा है कोई बता सकता है? और सच हायर अमाउंट ऐसा क्यों बोला है? हमने ईटी लेवल पे स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया चेक करा था, वहां पर भी ऐसा कुछ था और सच हायर अमाउंट।
बता सकता है कोई? फ्यूचर में चाहे तो गवर्नमेंट इस लिमिट को, कौन सी लिमिट, 25 लाख वाले लिमिट को आगे बढ़ा सकती है, बट कितना बढ़ा सकती है, हद से हद तक 5 CM। ठीक, तो अभी काम का क्या है, 25 लाख, और सच हायर अमाउंट क्यों बोला है, फ्यूचर में चाहे तो गवर्नमेंट इस 25 लाख के लिमिट को आगे बढ़ा सकती है, हद से हद तक कितना, 5 CM। ठीक, सबसे पहला क्राइटेरिया कंट्रीब्यूशन है अप टू 25 लाख, एंड टर्नओवर है कितना एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कितना, अप टू 40 लाख, और सच हायर अमाउंट कितना, 50 से। ध्यान रहेगा सबको, कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 25 लाख एंड टर्नओवर अप टू 40 लाख, लिख लो एक बार कॉपी। LLP, फिर से तो फिर वो करंट वाला ले, ऑब्वियस ही बात है ना। अब सुनना, चलो लिख लो पहले, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, ध्यान रखना आगे बड़बड़ी में स्मॉल कंपनी में लिख देना, लिखा सबने, डन। आ जाओ स्टार्टअप LLP, वी क्या नई चीज है स्टार्टअप LLP, पढ़ेंगे वैसे अपन इन डिटेल स्टार्टअप्स के बारे में सेपरेट चैप्टर के अंदर। दीज आर LLPs रजिस्टर्ड विथ DPIIT। ये क्या होता है DPIIT, DPIIT, ध्यान रखना जो भी इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स हैं इनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है विद DPIIT, जिसको अपन बोलते हैं DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स। ये DPIIT क्या है कोई बता सकता है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, देख लो हो रहा जाते हैं ना अपन।
डिपार्टमेंट और प्रमोशन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर है सबको? डन। तो क्या बोला है, दीज आर एलएलपी रजिस्टर्ड विद डीपीआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एज स्टार्टअप्स एंड एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्कीम है गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ईटी लेवल पे पढ़ा होगा सबने, ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। मतलब स्टार्टअप से कनेक्टेड सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, स्टार्टअप इंडिया स्कीम से कनेक्टेड सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे किसको? इस स्टार्टअप एलएलबी को। कब तक? जब रजिस्टर्ड हुई है वो, वहां से 10 साल। क्लियर टू एवरीवन? पढ़ लो एक बार, कुछ काम का नहीं है। बस ये ध्यान रखना, ये जो स्टार्टअप एलएलपीज हैं इनको रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा विद डीपीआईआईटी, साथ ही साथ इनको सारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम से कनेक्टेड प्रिविलेजेस मिलेंगे फर्स्ट 10 ईयर्स तक। सिंपल चल रहा है अभी तक? सेबी से तो फार बेटर है। बोलो ना गधों। पार्टनर्स इन एन एलएलपी, पढ़ लिया अपन ने क्राइटेरिया, ठीक। ईच पार्टनर शैल गिव हिज प्रायर कंसेंट टू एक्ट एज डीपी। मतलब अगर किसी पार्टनर को डीपी बनाया जा रहा है, इन दैट केस पार्टनर को पहले बताना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है मैं डीपी बनने के लिए तैयार हूं, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, तुझे तो डीपी बनाएंगे, देख दौड़ाएंगे, देख भगाएंगे इधर से उधर, ठीक। सारे क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए। एवरी डीपी शैल ऑब्टेन डीपीआईएन, जैसे डायरेक्टर्स के लिए होता है डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन अ सेम In the same way, DP के लिए होता है DPIN, Designated Partners Identification। Vacancy of DP shall be filled within 30 days and the registrar shall be notified। मतलब DP की अगर वैकेंसी हुई है 30 दिन के अंदर अंदर नया DP लाना पड़ेगा और इसको notify करना पड़ेगा with registrar। Any partner may resign from LLP by giving a notice in writing of not less than 30 days. जब आप निकलना चाह रहे हो वहां से 30 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा LLP को, and shall comply with the terms and condition of the LLP agreement. No person can continue as a partner of LLP in the following circumstances. Case study based question आ सकता है। Upon his death, obviously बात है। Upon the dissolution of LLP, if he is declared as insolvent, if he is declared to be tumhari tarah unsound mind, padho to ek bar, samajhdar bachche ho। Aayega kuch samajh mein?
आया को समझ में? बोलो ना, हम तो ढोंड बुद्धि के हैं, हमको कैसे समझ में आएगा? बोलो, द सिजेशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज हिम फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ओड टू द एलएलपी और अदर पार्टनर और टू एनी अदर पर्सन इनकर्ड व्हाइल ही वाज अ पार्टनर ऑफ सच एलएलपी। किसको ये समझ में नहीं आए? किसी को समझ में नहीं आया? वो व्यक्ति जो कि पार्टनर है किसका? एलएलपी का। पहले पार्टनर था, उसने फॉर एग्जांपल रिजाइन कर दिया है। इन दैट केस जब वो पार्टनर था, जो उसने काम करा था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जब वो अपना ऑफिस वेकेंट कर रहा है, उससे पहले पहले जिन भी ट्रांजेक्शन में वो पार्टनर इन्वॉल्व था उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसके बाद वाले ट्रांजेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। लेट टू एवरीवन, अपॉन द एडमिशन और सिजेशन ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी अ नोटिस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। मतलब जब एक नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर जा रहा है, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार, ये पार्टनर आ गया, ये पार्टनर चला गया। सिमिलरली व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ एनी पार्टनर अ नोटिस शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगेन एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर। पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा है अपन ने, म्यूचुअल एजेंसी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल होता है, हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है एलएलपी के अंदर अप्लाई नहीं होता है। यहां पर जो पार्टनर्स हैं वो एजेंट है किसके? एलएलपी। क्लियर टू एवरीवन, द लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी आर मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। ऑब्वियस सी बात है, हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेचेंगे, मारेंगे पकड़ के। नो पार्टनर इज पर्सनली लायबल, हाउएवर वेयर एनी पार्टनर एक्ट्स विद अ फ्रॉडुलेंट इंटेंट और फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस देन ही शैल बी मेड पर्सनली लायबल। मतलब अगर कोई पार्टनर फ्रॉड में इंडल्ज इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको पर्सनली डंडे पड़ सकते। ध्यान रहेगा सबको, एवरीवन, घबराहट तो नहीं हो रही है? बोलो, हो रही है? होनी भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओगे, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। जस्ट वेट, वो घबरा गया। चलिए नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। अच्छा, एक ड्राफ्ट प्रोसीजर मैंने कल डिक्टेट किया था, सुनाया था, ऐलान करा था, ठीक समझ में आया था? अब एक्चुअल पढ़ते हैं। देखो ऊपर जो स्टेप्स दिए हैं वही हैं, ऑप्टेन डीएससी, अप्लाई फॉर डीपीआईएन। क्या चीज है डीपीआईएन?
डेसिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर गेट नेम अप्रूवल किसका हमारा नहीं एलएलपी का कहां से रन प्लेटफॉर्म से कह दूं नेम को अप्रूव कराना पड़ेगा रन प्लेटफॉर्म से ये रन क्या है क्या चीज है रन रिजर्व यूनिक प्लेटफॉर्म है ठीक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रन प्लेटफॉर्म रिजर्व यूनिक नेम करके ठीक फाइल इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फिलिप फिलिप होम अप्लायंसेस मत लिख दे फिलिप का फुल फॉर्म क्या है यहां पर फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फिर से फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दैट इज फिलिप फाइल एलएलपी एग्रीमेंट सो सिंपल देन योर एलएलपी स्टार्टेड ऑब्टेन डीएससी कैसे होगा फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं डीएससी क्या है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर ऑब्टेनिंग देन फॉर द पार्टनर्स और डीपी ऑफ द एलएलपी अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड मतलब क्या चीज है ये डीपीआईएन ऑब्टेन करने के लिए डेसिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास डीएससी होना चाहिए मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कहां पर जो एजीएल के अंदर लास्ट चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसमें दिए एग्जैक्ट डेफिनेशन Therefore, the proposed partner must obtain DSC. DSC have a validity of 1 or 2 years and can be used during that time for filing of documents, filing या फिर filling of the documents with ROC online. मतलब जो भी documents है उसके ऊपर आप physically sign नहीं करोगे कैसे sign करोगे digitally. अगर आपके पास होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लियर टू एवरीवन किसने देखा है डीएससी एनीवन डिजिटल सिग्नेचर देखा है किसी ने सर वो तो दिखता है ना ऑनलाइन नहीं डीएससी इज डिफरेंट डिजिटल सिग्नेचर बोलने के लिए हम देखते हैं हर नेट पे दिख रहा है साइन है वो नहीं देखो ये जो डीएससी होता है 2,500 रुपए लगते हैं डीएससी लेने के एक यूएसबी जैसा डिवाइस आता है अब जैसे जो भी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है और आपके पास डीएससी है तो वो जो यूएसबी डिवाइस है यूएसबी सॉर्ट ऑफ दिखता है ऐसा ठीक उसको आप इंसर्ट करोगे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ठीक वहां पर एक आपसे पिन पूछेंगे जैसे पेटीएम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन करते हैं पिन डालना पड़ता है वैसे ही उसमें भी पिन डालना पड़ेगा अदरवाइज कोई भी यूज कर लेगा ना किसी के भी हाथ में वो डिवाइस लगेगा कोई भी सिग्नेचर यूज कर लेगा तो एक पिन होता है जो आप फिक्स करते हो उस पिन को डालोगे और फिर वो जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर दो इस तरीके से काम करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अप्लाई फॉर डीपीआईएन फॉर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स पढ़ो यहां से या पढ़ लोगे बोलो पढ़ लोगे पढ़ो सेकंड वाला पॉइंट फिर आते हैं थर्ड पे नेम अप्रूवल रन प्लेटफॉर्म से ये एक बार पढ़ लो और ये जो स्टेप्स हैं ध्यान रखना ऑब्टेन डीएससी देन डीपीआईएन देन नेम अप्रूवल रन प्लेटफॉर्म से ई फॉर्म फिलिप एंड देन फाइलिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट पढ़ू आगे
वंस डेन इज अवेलेबल। सर यहां पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों दिया है बताओ, एनीवन हैज द आइडिया? वैसे डीपीआईएन चाहिए, डेसिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहां पर डेन क्यों दिया है? एनीवन हैज द आइडिया? अगर कोई कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो बन रहे हैं डीपी इसके अंदर, एलएलपी के अंदर, और उन डायरेक्टर्स के पास ऑब्वियसली बात है डिन होगा, वो भी सफिशिएंट, अलग से डीपीआईएन लेने की जरूरत। वंस डिन इज अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम कैन बी मेड टू दी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रन। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द एलएलपी नेमिंग गाइडलाइंस एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट नेम्स फॉर द एलएलपी इन द एप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका? जो आप एप्लीकेशन लगाओगे फॉर नेम अप्रूवल उसके अंदर बहुत सारे नाम दोगे, ध्यान रखना है ये जो नाम है अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं होने चाहिए, अगेंस्ट द लॉ नहीं होने चाहिए। मैं रख दिया मर्डर एलएलपी, कत्लेआम एलएलपी, हौला एलएलपी, बेवड़ा एलएलपी, ऐसे नाम नहीं होने चाहिए। ठीक, फाइनल एप्लीकेशन अंडर रन एलएलपी फॉर एसर्टेनिंग अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलएलपी, देखना तो पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा क्या जो हम नाम सोच रहे हैं जो रखने वाले हैं कि एक्चुअली अवेलेबल है या नहीं, क्या ऑलरेडी ये नाम किसी और ने ले तो नहीं लिया, ये कहां पर चेक कर सकते हो? ऑन रन एलएलपी। क्लियर टू एवरीवन? पढ़ो एक बार, डू इट, पढ़ लो फटाफट से, दिक्कत आती है तो फटाफट से पूछ भी लो। यहां पर एनओसी का मतलब क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्लियर है सबको? सिंपल ही है, कुछ दिक्कत? लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो तो। ई फॉर्म फिलिप शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। किसका रजिस्टर्ड ऑफिस? एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस। वेयर अ डीपी हैज ऑलरेडी डिन, डीपीआईएन नीड नॉट टू बी ऑब्टेन एंड द डिन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ डीपीआई। पढ़ लिया था अपन ये डब्बा, दुखी करता है सर डब्बा, देखो सुनना। Section 16 of the LLP Act states that on an application for the reservation of the name for the proposed LLP, the registrar, upon satisfaction of all the conditions, कल की क्लास में ऐसे मैं गधों की तरह बोल रहा था मैं पूरा प्रोसीजर उसके अंदर देखा था, एप्लीकेशन जो आपने
रजिस्ट्रार के पास लगाई है ऑन रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट द एप्लीकेशन और मे आस्क फॉर सम मॉडिफिकेशन। सुनना, रिजर्व सच नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। मतलब अगर सारी चीजों से रजिस्ट्रार सहमत है, इन दैट केस 3 महीने के लिए जो आपका प्रपोज नेम है ये रिजर्व हो सकता है। 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर कोई दूसरा इस नाम को यूज कर लेता है, इन दैट केस वो बिल्कुल कर सकता है ऐसा, इसमें आपकी ही गलती मानी जाएगी। मतलब 3 महीने आपको दे दिए, 3 महीने के अंदर अंदर एक्चुअली इस नाम को अगर यूज करना है तो कर लो, 3 महीने तक नाम रिजर्व रहेगा, 3 महीने तक आपने कुछ भी नहीं करा उस नाम का, इन दैट केस किसी और को वो नाम मिल सकता है। क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रहेगा सबको। व्हेन एन एलएलपी इज रजिस्टर्ड विद अ नेम दैट इज आइडेंटिकल और क्लोजली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी और कंपनी और अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी प्रोप्राइटर अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देन upon an application by such LLP or company or proprietor of trademark, the central government may give direction to such LLP to change its name within the period of 3 months from the date of such direction. First point के अंदर क्या बोला? Just wait. फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बोला? 3 महीने तक जो प्रपोज नेम है वो रिजर्व हो सकता है। सेकंड केस में क्या बोला है? जो आपने नाम रखा है अगर वो आइडेंटिकल नेम निकलता है, कैसे पता चला? जिस कंपनी ने ऑलरेडी वो नाम ले लिया था या जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी उसने ऑलरेडी वो नाम ले लिया था और उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा दी और बोल दिया ये जो नाम है ये हमने ऑलरेडी रख लिया था, ये जो नया बंदा आया है इसको बोलो अपना नाम चेंज करे, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करे। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको न्योता भेजेगी किस चीज का, वे नाम चेंज करो, वहां से 3 महीने के अंदर अंदर आपको नया नाम रखना पड़ेगा। व्हेन एन एलएलपी कंप्लाइज विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक्स अ चेंज टू इट्स नेम, it shall within the period of 15 days of such change of the name give a notice of intimation to the registrar who shall make the necessary changes in the certificate of incorporation. obviously baat hai, certificate of incorporation ke andar, certificate of registration ke andar bhi aapka naam badalna padega. iska intimation jab aapne naam change kara wahan se 15 din ke andar andar aapko batana padega registrar ko aur fir registrar necessary documents ke andar changes kar dega. the change of the name shall be made in the LLP agreement within 30 days of obtaining the new certificate of incorporation. जैसे ही आपको नया certificate of incorporation मिलता है, वहाँ से 30 days के अंदर अंदर LLP agreement के अंदर जो आपने नाम लिखा होगा, उसको भी बदलना पड़े। ठीक? Durations याद रखना। 3 months, 3 months, 15 days, 30 days. And last, when the LLP fails to comply with the directions, then central government shall allot a new name to the LLP. They are gay. Kisko? Central government ko. And the registrar shall issue a fresh certificate of incorporation to the LLP containing the new name. Matlab, 3 mahine ke andar andar. Kya hota hai? Agar LLP naam badalne mein nakam rehti hai, in that case, jo central government hai khud aage badke LLP ka naam badal di. Aur bol degi registrar ko. Fresh certificate of incorporation इशू किया जाए। क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रहेगा सबको। ओके, यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ई फॉर्म फिलअप के साथ अटैच करने रहेंगे, 2-3 डॉक्यूमेंट जो इच्छा हो याद कर सकते हो। ठीक, जो अच्छे लगे, जो ऐसे दिल पे चुभे नहीं, ठीक, वो 2-3 डॉक्यूमेंट याद कर सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? लास्ट पढ़ लो फटाफट से।
खत्म करके फिर कंक्लूड करेंगे सेशन। अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ ई फॉर्म फिलिप द रजिस्ट्रार फाइंड इट नेसेसरी टू कॉल फॉर सम इंफॉर्मेशन और फाइंड इट इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ही शैल गिव एन इंटीमेशन टू द एप्लीकेंट टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन और कंप्लीट द डिटेल्स और रिमूव सच डिफेक्ट्स एज द केस मे बी एंड रीसबमिट विद इन 15 डेज ऑफ सच इंटीमेशन। अगर कोई गड़बड़ी है तो रजिस्ट्रार बता देगा और वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आपको बोलेगा सब कुछ ठीक करके दोबारा से ये एप्लीकेशन सबमिट करो या जो ये पर्टिकुलर फॉर्म है ई फॉर्म ये दोबारा से सबमिट करो। आफ्टर ई सबमिशन इफ द रजिस्ट्रार इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड फिट्टे मुंह तेरे ही शैल गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ 15 डेज फॉर री सबमिशन प्रोवाइडेड दैट द टोटल पीरियड फॉर री सबमिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट शैल नॉट एक्सीड 30 डेज 15 प्लस 15 पेन एंड टेन शैल बी अलॉटेड अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। क्लियर टू एवरीवन? चलिए सो हियर वी आर कंक्लूडिंग आवर टुडेज डिस्कशन फ्रॉम प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP विल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ टेक केयर थैंक यू सो मच।